नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा जिहाद के लिए जाता है, उसकी नीयत सवाब की भी है और शोहरत की भी है, ऐसा नहीं कि सवाब की नीयत ही नहीं, सिरे से उसका ख्याल ये है कि मुझे अल्लाह के हुजूर से अजर भी मिलेगा और चलो जब मैं जिहाद करूँगा, मुजाहिद बनूंगा, तो फिर मेरी शोहरत भी हो जाएगी। तो हुजूर, उसकी नीयत सवाब की भी है और शोहरत की भी है, तो आप क्या फरमाते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि उसकी नीयत साथ शोहरत की भी है, लिहाजा उसे जिहाद करने पर कोई सवाब नहीं मिलेगा, जिहाद पर कोई सवाब उसे नहीं मिलेगा। उस शख्स ने दोबारा सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद के लिए जा रहा है, लड़ाई के लिए जा रहा है, लेकिन उस बंदे का इरादा जिहाद का भी है, जद्दोजहद का भी है, कोशिश का भी है और साथ शोहरत का भी है, वो क्या फरमाते हैं? तो महबूब ने फरमाया, चूंकि उसकी नीयत साथ शोहरत की भी है, उसे जिहाद का कोई सवाब नहीं मिलेगा। उसने तीसरी दफा अर्ज की, हुजूर उसकी नीयत शोहरत की भी है और जिहाद की भी है, तो क्या हुक्म है? तो महबूब फरमाने लगे, उसे जिहाद पर कोई सवाब नहीं मिलेगा, सवाब उसे तभी मिलेगा जब वो खालिस अल्लाह की रजा के लिए मैदान के अंदर निकलेगा।